नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़, मैं हूं आपके साथ जैसी राज। पता ये शुरुआत करते हैं खबरों की। जबलपुर के राज्य पुलिस ने व्हीकल स्टेट से महेंद्र खरे नामक युवक को पकड़ा है। पकड़े गए युवक के पास से 53 नग इंजेक्शन पकड़े गए हैं। थाना प्रभारी सहदेव साहू ने बताया कि इंजेक्शन को आरोपी युवक नशों के रूप में इस्तेमाल करता है और छोटे बच्चों को बेचता है। पुलिस को लंबे समय से व्हीकल स्टेट में नशीले इंजेक्शन बेचने की सूचना मिल रही थी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, व्हीकल स्टेट के पास महेंद्र खरे नाम का युवक खड़ा है जो नशों के इंजेक्शन को बेचने की फिराक में है। पुलिस ने सूचना मिलते ही आरोपी महेंद्र कोरी को गिरफ्तार किया और उसके पास 53 नग इंजेक्शन के बरामद किए हैं। पुलिस आरोपी से और भी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इन इंजेक्शन का इस्तेमाल करने के बाद युवकों को तेज नशा आता है। नशा आने के बाद युवक आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। योगी वस्तु है, पर कठोर कार्रवाई करने के लिए इसी क्रम में आज थाना रांची में महेंद्र खरे नाम के व्यक्ति को व्हीकल स्टेट में पकड़ा गया है। उससे कब्जे से 53 नग एवील के इंजेक्शन और 2-3 प्रकार के और हैं शामिल उसमें। 53 नग CC या इंजेक्शन के पकड़े गए हैं। उसका उपयोग ये लोग नशीली सेवन करने के लिए लगाते हैं, मतलब स्वयं लगाते हैं और दूसरे भी लगवाते हैं। काफ़ी सख्ती होती है, लेकिन काफ़ी नशा आता है और उस नशे के धूत में उपयोग करने वाले व्यक्ति लूटपाट करते हैं और उनका जीवन जो है बर्बाद हो जाता है। आर्थिक रूप से भी परेशान हो जाता है, शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाता है, काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए हमने कठोर कदम उठाए हैं और आज उसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और उसको धारा 328 और इन आउटर के तहत माइनर एक्ट की धारा लगा करके रिमांड में भेजे। सर, इसके पीछे और कोई भी है कि अकेला था ये? उसने ये बताया कि कोई आदमी ला करके उनको देता है और फिर ये स्वयं भी लगाता है और छोटे छोटे बच्चों को बेच भी देते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।